बाल दिवस और आइस स्केटिंग के एथलीट्स के अनोखे टैलेंट का उत्सव मनाने के लिए स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने साइबर सिटी में आइस स्केट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्पेशल ओलंपिक्स भारत की चेयरपर्सन सुश्री मल्लिका नंदा ने एथलीट्स का उत्साहवर्धन किया। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के दिव्यांग एथलीट्स और आइस स्केटिंग के राष्ट्रीय एथलीट्स ने अपने स्किल्स और क्राफ्ट का रोमांचित करने का प्रदर्शन आइस स्केटिंग रिंक पर किया, जिसके बाद उनको पुरस्कृत किया गया। स्पेशल ओलंपिक्स भारत की चेयरपर्सन सुश्री मल्लिका नंदा ने कहा कि हमारे देश के लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ नवीनतम आइस स्केटिंग रिंग है, जो न केवल आइस स्केटिंग के चाहने वालों के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है, बल्कि देश में विंटर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने में लगी हुई है। इस तरह के आयोजन से न केवल बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा सामने आती है, खासतौर पर उनके लिए जिन्हें विशेष आवश्यकताएँ भी हैं। विंटर ओलंपिक्स खेल कूद प्रतियोगिताओं में जहां भारत का प्रतिनिधित्व स्पेशल ओलंपिक्स भारत के माध्यम से विशेष बच्चे कर रहे हैं, वहीं नॉर्मल एथलीट्स का भी यहां प्रतिभागी इंटरनेशनल गेम्स में हो रहे हैं। हम आशा करते हैं कि अन्य प्रदेशों में भी आइस स्केटिंग रिंक की सुविधाओं का प्रावधान किया जाए, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, जहां बर्फ़ की उपलब्धता है, वैसे ही जिस तरीके से हरियाणा में इस आइस स्केटिंग रिंक के माध्यम से आइस स्केटिंग प्रतियोगिता को प्रोत्साहित किया गया है, उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से आइस स्केटिंग को एक नेशनल गेम की तरह हम प्रमोट कर सके। इसी आशा के साथ आज बाल दिवस में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैम, 12 नवंबर का दिन है, बाल दिवस आइस स्केटिंग मनाया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में आइस स्केटिंग रिंक में जो विशेष एक आयोजन जो हमारे नॉर्मल बच्चे और विशेष बच्चों का किया गया था, उसके लिए मैं यहाँ आयोजकों को बहुत बधाई देती हूँ, बाल दिवस की सबको शुभकामनाएँ देती हूँ। और आज मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आइस स्केटिंग रिंक जो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, इसके साथ अधिक से अधिक युवा और बच्चे जुड़े, जिससे कि ये भी एक स्पोर्ट्स और गेम्स की तरह प्रमोट हो सके। डॉक्टर अंकुर भाटिया को मैं आज नमन करती हूँ, स्मरण करती हूँ, जिनका ये एक प्रयास था और विजन था, और उन्होंने इस आइस स्केटिंग रिंक के माध्यम से आइस स्केट के खेल को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था।